साल 1941 में साइबेरिया के एक बड़े हिस्से से 2300 से भी ज्यादा रेंडियर्स की एंथ्रेक्स के कारण मौत हो गई। मौत के बाद उन रेंडियर को यूं ही बर्फ में जमने के लिए छोड़ दिया गया ताकि ये वायरस फैल ना सके। पर साल 2016 को बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के चलते उस मरे हुए रेंडियर के शरीरों से वायरस का फैलाव शुरू हो गया, जिसने न सिर्फ इंसानों को बीमार किया बल्कि इस वायरस के कॉन्टेक्ट में आने वाले सभी इंसानों की मौत भी हो गई। पर हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने तिब्बत के एक हिस्से से बर्फ को खोदकर इसमें से दबे 15,000 साल पुराना बर्फ को निकाला, जिसमें उन वैज्ञानिकों ने 33 वायरस के जेनेटिक कोड प्राप्त किए। हालांकि उनमें से 4 की तो पहचान हो चुकी है, पर 29 अभी भी हमारी जानकारी से कोसों दूर है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर धरती का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो बर्फ में दबे कई ऐसे वायरस या बैक्टीरिया आजाद हो जाएंगे जो न सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी धरती से जीवन को मिटाने के लिए काफी है।